Ah!
तुम्हें बचाने नहीं आएगा, तुम भी उसे बचाने की कोशिश मत करो। अब बताओ दीपक कहाँ है? टॉर्चर करो या मार डालो, कुछ नहीं बताने वाले। मेरे भी कुछ उसूल हैं। उसूल? एक कॉन्ट्रैक्ट किलर हो के उसूलों की बात करती हो? तुझे तो मैं तुम्हारे बैंक से तुम्हारे लिए एक मैसेज आया है। यहाँ तुम 5 मिनट में मरने वाली हो और अगले टारगेट के लिए किसी ने तुम्हारे अकाउंट में $5 मिलियन ट्रांसफर किए हैं। किसी और के लिए नहीं, तुम्हें मारने का एडवांस पेमेंट है। ये बहुत बड़ा नेटवर्क है, जस्ट इन केस मैं ना भी मार पाई तो वो किसी और से मरवाएंगे। वापस चले जाओ, शायद फिर मौका ना मिले। चला तो मैं जाऊंगा, बस दीपक मिल जाए। ये कोई खेल नहीं है, और बिना मेरी मदद के उसे कैसे ढूंढोगे? तुम्हारी जरूरत नहीं है, तुम्हारा फोन है ना। कौन है आप और यहां क्या कर रहे हैं? सुभाष प्लीज मेरी मदद करो, प्लीज सुभाष बचाओ मुझे। अपने उसूलों को बचाओ। मुझे पता है वो कहां मिलेगा, प्लीज मुझे बचाओ। सुनो, इसे पैरों से मार डालो। लगना चाहिए कि धमाके के बाद होने वाली भगदड़ में ये कुछ ली गई। ऑर्डर लिखना, एक बिच्छू का सूप, एक नागिन बिरयानी। पार्सल करना, किसी को नरक पहुंचा के जल्दी आता हूँ, ठीक है? क्यों बे भावड़े, रिसीव करने अंदर नहीं आ सकता था? नहीं नहीं, रिसीव करने नहीं, तुम्हें रिटर्न करने आया। मजाक कर रहा है? तो फिर तुम्हारे लफड़े की वजह से मीरा और बड़े भाई गुजर गए ना, और अब तुम बदला लेने के लिए आयो। मैं तुम्हारे साथ नहीं जाने वाला, चलो जाओ। सुभाष, छुट्टी मनाने आई है? इसने अपनी प्रमोशन को रिफ्यूज कर दिया, फॉरेन अफेयर्स में पोस्टिंग मांगी और टर्की आ गई। पता नहीं क्यों, मुझे पता है। अरे वो सब जाने दो, मुझे ब्रेक की जरूरत थी, दैट्स व्हाई। और ये कुछ कह रहा था? कुछ नहीं, जब आदमी ख्याली मुर्ग मुसलम बनाता है और देखकर कहता है कि अच्छा नहीं है तो हार्ट ब्रेक होता है, और फिर हार्ट को ठीक करने के लिए। तो बताओ तुम्हारा प्लान क्या है? बताता हूँ, ये बदला लेने आया या रोमांस करने के लिए? ए साले सुन तो, दिया, मुझे मारने के लिए जिस अकाउंट से कायरा को कॉन्ट्रैक्ट मिला था वो बैंक इस्तांबुल में ही है। जानती हो किसका अकाउंट निकला? कोई आइडिया नहीं। दीपक मेहता का। What? Yeah. उसके अकाउंट नंबर से हमें उसके घर का एड्रेस ढूंढना होगा। साले साहब, तुर्की में घर ढूंढते ढूंढते मुर्गी बन जाओगे, अकाउंट से तुम्हें कोई एड्रेस नहीं मिलने वाला, चांस ही नहीं है। पिकनिक मनाओ और अपने वतन लौट जाओ। अबे जब भी मुंह खोलते गोबर निकलते। अरे पागल हो गया ये। सुभाष, हम गवर्नमेंट की हेल्प लेंगे तो काम आसान हो जाएगा। इस सिचुएशन में किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकते। उसकी डिटेल निकालने के लिए मैंने अकाउंट हैक करने की कोशिश की थी, मेहनत बेकार गई। बैंक का सिस्टम पावरफुल फायरवॉल से प्रोटेक्टेड है, पासवर्ड ऑटोमेटिकली चेंज होता रहता है, सिक्योरिटी बहुत टाइट है, इन्फिल्ट्रेट करना मुश्किल है। अद्भुत, मेरा अकाउंट भी इसी बैंक में है, मतलब मैं और मेरा पैसा एकदम सेफ है। कॉफी पी। अबे गटर जैसा मुंह बंद करने को कहा था ना। ए साले, बात बात पे हाथ क्यों उठाता है? मैं तो बैंक की तारीफ कर रहा था। अपने जीजा के साथ कोई ऐसे बर्ताव करता है? आर्मी में है तो क्या सबसे रोक चाड़ोगे? ये रहा बैंक का ब्लूप्रिंट। अच्छा, तुर्की में कुटिया बनाना है, एड्रेस कैसे मिलेगा? कस्टमर्स के डिटेल्स बैंक के मेन सर्वर में एनक्रिप्टेड होते हैं, उन्हें सर्वर रूम से ही कॉपी किया जा सकता है। ब्लूप्रिंट के हिसाब से
बैंक के एंट्री पे लेफ्ट साइड में बेसमेंट है, सर्वर रूम वहीं तो नहीं? मैंने बैंक की सर्वेलेंस की थी, हाईली सिक्योर्ड बैंक है, स्पेशली सर्वर रूम एक्सेस सिक्योरिटी हेड के पास है। एक्सेस कार्ड के बिना वहाँ एंट्री नहीं हो सकती, बहुत स्ट्रिक्ट है। उसका हाथ काटना आसान है लेकिन कार्ड लेना इम्पॉसिबल। और लंच टाइम है 1 to 1:30, वो एक ही रेस्टोरेंट जाता है। इसका मतलब लंच टाइम और वेन्यू फिक्स्ड है? कंफर्म्ड इन्फो है। मतलब जब सिक्योरिटी हेड लंच करने के लिए ब्रेक लेगा तब हम सर्वर रूम में जा सकते हैं, है कि नहीं? इतने एक्साइटेड मत हो, जिस अकाउंट को एक्सेस करना है वो एक्टिव भी होना चाहिए, वरना कोई फायदा नहीं। एक और तरीका है, डायरेक्ट दीपक मेहता को फोन करते हैं, उसे बोलेंगे कि अपना अकाउंट खोल के रखना, सारे डिटेल्स हम लोग निकाल लेंगे। अब समझा, तुम्हारी प्लानिंग में खोट है। अरे बैंक से पैसे निकालने की बात हो रही है, ये कोई बच्चों का खेल नहीं है, याद रखना। तो हमारा हर आइडिया बकवास ही लग रहा है, तो तुम ही कोई आइडिया दे दो। बकबक का एक्सपर्ट हूँ, आइडिया का कोई आइडिया नहीं। वेरी गुड आइडिया। बैंक मैनेजर के पास हर एक अकाउंट का एक स्पेशल पासवर्ड होता है, तो अपना बकबक का अस्त्र क्या? उस बैंक मैनेजर पर चलाओ और दीपक मेहता का पासवर्ड उसी से उगलवा, उसके आगे मैं संभाल लूंगा। संभाल लेगा? ओए, अगर गलती से भी मिस्टेक हुआ ना तो ये इंडिया नहीं है कि पान वाले को पैसे दिए और हफ्ता पूरा हो जाएगा, ये इस्तांबुल है, गुल हो जाएगा। बड़ा आइडिया देने वाला, परदेश में मेरा नाम खराब कर रहे। वैसे मेरी दीदी ने मुझसे कहा था कि तुम्हारा जीजू ब्रेव हार्ट और बहुत इंटेलिजेंट है, एक वही है जो इस दुनिया में तुम्हारी मदद कर सकता है। सच में ऐसा कहा? सही सुना। मेरी पत्नी, मेरी पति व्रता है। छोड़ूंगा नहीं, तुम्हारी बहन ने तो बोल दिया है, अब सवाल ही नहीं। चल बॉटल में उतारते हैं बैंक मैनेजर। चल अब देख मिस्टर इंडिया का कमाल।